दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉल डायलर ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना होगा। देख सकते हैं आप कुछ भी यहाँ पे नंबर आप टाइप करते हो तो यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है, बीप का साउंड निकल रहा है, टू टू का जो साउंड है, आप यहाँ पर आप किसी भी गाने को कैसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डालोगे तो यहाँ पर गाना बजने वाला है, तो आप इस सेटिंग्स को कैसे करोगे चलो हम बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आ जाना होगा, जो कि आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक एडवांस का सेटिंग्स मिलेगा, तो आपको सिंपली एडवांस का सेटिंग्स में आ जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डायल पैड के यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डायल पैड टच टोन का, आपको उसके अंदर आना है और उसके अंदर आपको एक टोन का ऑप्शन मिलेगा जो कि बाई डिफॉल्ट यहाँ पर सेट है पहले से। तो बस आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पियानो की का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सिंपली इस पियानो की पे सेट कर देना होगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग टाइप यहाँ पे बजने लगा, मतलब ये पियानो का साउंड निकलने लगा। अगर आप कहीं बोर हो रहे हो कहीं बैठे बैठे, तब इस तरह से आप कोई भी म्यूजिक बना सकते हो, कोई भी सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूजिक आप बना सकते हो, बैठे बैठे आपका टाइम पास भी हो जाएगा। ये थोड़ा यूनिक ट्रिक था इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया, अदरवाइज मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाला है जो कि आप लोगों को नहीं मालूम होगी शायद। अगर आपको मालूम है तो आप वीडियो के कमेंट में ही जाकर बता सकते हो कि आपको पहले से मालूम था। तो हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूँ जो कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल में जरूर कर लेनी होगी। तो जैसा आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे लाल रंग की सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस आपको सिंपली इस पे जाकर के सब्सक्राइब कर देना होगा और उसके बगल में एक बेल आइकन आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आपको सिंपली इस पे जाकर के यहाँ से ऑल आपको सेट कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ से जाकर के ऑल सेट कर देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिखा दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जरूर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपली से लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से जाकर के शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सारे व्हाट्सएप के फ्रेंड्स को आप शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आप फेसबुक पर भी अपने सारे ग्रुप, अपने फेसबुक फ्रेंड को आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों जब आप इतना कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक कमेंट का सेक्शन भी मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन, आप सिंपली इस पर जाकर के एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, नाइस ऑसम, या फिर आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूंगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखे हो। दोस्तों इस तरह से आप कमेंट कर दीजिए, जरूर आप एक कमेंट जरूर करके जाएं। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अपने डायल पैड की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको डायल पैड ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑटो आंसर का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ये दोस्तों ये क्यों यूनिक है और आपको जानना ये जरूरी है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों ये आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट ये बंद होगा यहाँ से, तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनेबल करना चाहोगे तो ही बता देना, इसका क्या फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे ऑलवेज सेट होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलवेज सेट करके नहीं रखना है, यहाँ पे आपको हेडसेट ब्लूटूथ या फिर हेडसेट ब्लूटूथ कोई भी आप यहाँ पे सेट करके रख दीजिए। ये क्या है, ऑटो आंसर, आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है तो ऑटोमेटिक रिसीव कर देगा। अगर ये ऑलवेज सेट रहेगा तो आपका मोबाइल कहीं साइड में रखा रहेगा तो ऑटोमेटिक रिसीव कर देगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और सामने वाला पर्सन आपका आवाज़ भी सुन सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा आप बाइक चला रहे हो, आपका मोबाइल जेब में, आप हेडफोन लगाए हो या फिर ब्लूटूथ लगाए हो, ब्लूटूथ में तो खैर यहाँ पे बटन आता है, आप क्लिक करके रिसीव कर सकते हो, पर हेडसेट में वो चीज़ नहीं आता है, बहुत कम हेडसेट में आता है कि आप मतलब किसी किसी हेडसेट में होता है कि बटन ख़राब हो जाता है जिससे कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, हेडसेट ऑनली करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेकेंड का ऑप्शन है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो 5, 10 सेकेंड। यहाँ से क्या होगा कि आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया, आप हेडफोन लगाए हुए हो, तो ऑटोमेटिक ये 5 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद या 3 सेकंड के बाद कॉल रिसीव कर देगा। आपको अपने मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ब्लूटूथ सेट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ या फिर हेडसेट ब्लूटूथ दोनों सेट करना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप हेडफोन नहीं लगाते हो, बाइक चलाते वक्त आप कॉल रिसीव नहीं करते, कोई बात नहीं करता करना चाहते हो, तो आप इसे बंद ही रहने दो। ये उन लोगों के लिए है जो बाइक चलाते वक्त कॉल पे बात करते हैं, खासतौर पे उनके लिए कि उनको अपना बाइक साइड में रोक करके मोबाइल निकाल के बात करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आप हेडफोन लगाए हुए हो, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद कॉल रिसीव हो जाएगा, आप डायरेक्ट बात करना शुरू कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था उनके लिए, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर किया। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इनकमिंग कॉल सेटिंग्स। यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल सेटिंग में मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग्स,
इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिससे आपका मोबाइल बहुत ही यूनिक मोबाइल बन जाने वाला है, जस्ट लाइक आईफोन में भी जो फीचर्स है आपके मोबाइल में भी दिया हुआ है, पर उसे आप इनेबल करके नहीं रखे हो, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता है इसलिए आपको नहीं मालूम होता है ये सब सेटिंग्स। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, मतलब कि दोस्तों इसे आप इनेबल कर दोगे आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया तो इस तरह से मोबाइल रखा रहता है, या फिर इसी तरह से मोबाइल रखा रहता है तो आप उठा के इस तरह से देखो किसका कॉल है, उसके बाद आपको कोई बटन टिपने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे मतलब इसे डिस्प्ले नीचे करके आप कहीं रख देते हो तो ऑटोमेटिक ये आपका मोबाइल साइलेंट कर देगा, कॉल कट नहीं करेगा मोबाइल साइलेंट कर देगा, बजना बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये आईफोन का सेटिंग था जो कि उसमें इनेबल रहता है, ये आपके मोबाइल में भी है पर ये डिसेबल रहता है, आप इसे इनेबल कर लो थोड़ा यूनिक हो जाएगा, अगर आप कहीं पार्टी फंक्शन में हो इस तरह से आप रखते हो तो आपका मोबाइल थोड़ा यूनिक बन जाता है बाकी सबसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वाइट रिंगर वेन लिफ्टेड है, दोस्तों यहाँ पे क्वाइट रिंगर अगर आप इसे इनेबल कर देते हो आपका मोबाइल कहीं टेबल पे रखा हुआ है और कॉल आता है और आप जैसे ही अपने मोबाइल को होल्ड करते हो मतलब उठाते हो तो ऑटोमेटिक ये साइलेंट कर देगा साउंड को, कॉल कट नहीं करेगा, जो साउंड है जो भी म्यूजिक है उससे ये साइलेंट कर देगा। इसे क्या होगा कि आपके पार्टी फंक्शन में कॉल आया, जैसे ही आप अपने मोबाइल को टच किए आपका मोबाइल साइलेंट हो गया, उसके बाद आप कॉल रिसीव करके बात करना शुरू कर दो तो अगल बगल के लोग थोड़ा चौंक जाते हैं कि भाई इसका मोबाइल में थोड़ा यूनिक फंक्शन दिया हुआ है। ये सब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लैश लाइट वेन रिंगिंग, ये बहुत कम लोग इसे इनेबल करके रखते हैं कि जैसे आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया तो कॉल आने के बाद आपका मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है यहाँ पर वो ब्लिंक करेगा, मतलब जलेगा बंद होगा इस तरह से, ये बहुत ही कम लोग इसे इनेबल करके रखते हैं। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये खासतौर पर रात में काम आता है कि हमारा मोबाइल कहीं रखा हुआ है किस तो हम कॉल करके मालूम कर लेते हैं कि फ्लैश लाइट कहाँ जल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये सब सेटिंग्स आपको थोड़ा यूनिक लगा होगा, अगर यूनिक लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अगर आपको पहले से मालूम था तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में कि हाँ आपको मालूम था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, तब तक ले जय हिंद टेक केयर।